हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड का बहुत ही टेस्टी मिठाई। इसके लिए मैं ब्रेड लाई हूँ, एकदम फ्रेश ब्रेड लाई हूँ मार्केट से। और इसके चार टुकड़े बना लेना है। अगर बड़े साइज़ का रहेगा तो टुकड़ा 6 से 8 बनेगा। ये छोटे साइज का ब्रेड है तो 4 टुकड़ा परफेक्ट होगा। तो इस तरह से काट लेना है ब्रेड। ये मीठा बहुत टेस्टी लगता है और बनाना भी बहुत आसान होता है। अगर मेहमान आ जाए घर में या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो तो सबके लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें हम 2 इलायची भी डालने वाले हैं और दूध है 1/2 kg। इसको हम गाढ़ा होने तक बॉईल करेंगे। दूध गाढ़ा हो चुका है, इसमें चीनी डालेंगे। तो 25 ग्राम लगभग, तो 4 से 5 चम्मच चीनी डालेंगे, ज़्यादा चीनी नहीं डालेंगे। 5 चम्मच चीनी तो परफेक्ट होता है। और साथ ही में इलायची भी डाल देंगे पाउडर बना करके इलायची का। तो हम इसको दरदरा कूट लिए हैं और डाल देंगे इसमें। थोड़ी देर पकाएंगे। अब इसे गैस से नीचे उतारेंगे। अब ये हो चुका है तैयार। और सबसे पहले हम तवा गरम करेंगे। आप ये मिठाई फ्राई करके भी बना सकते हैं कढ़ाई में, लेकिन हम इसे तवे पर सेक करके बनाएंगे। सेकने के लिए इसमें हम घी का यूज़ करने वाले हैं। ये शुद्ध देसी घी है और आंच को एकदम लो फ्लेम रखना है। फ्लेम को लो रखना है, ज़्यादा तेज आंच पे बनाएंगे तो जल जाएगा। एकदम धीरे धीरे सेकना है। ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। अगर फ्रिज में रखेंगे तो 1 महीने तक यूज कर सकते हैं इसको। और ऐसे 2 से 3 दिन तक, जाड़े के दिनों में 4 दिन तक। तो ये सेक चुका है, दोनों साइड में भी घी लगा के सेक सकते हैं। इसी तरह सभी ब्रेड को सेक लेना है। सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 1.5 मिनट में सेका जाता है। अगर इसे फ्राई करेंगे कढ़ाई में तो ज़्यादा अच्छा कलर आएगा, लेकिन ये भी बहुत आसान है और इसमें ज़्यादा तेल भी ऑब्जर्व नहीं होगा, ज़्यादा घी ऑब्जर्व नहीं होगा। इसमें सब फ्राई हो चुका है, अभी दूध भी गर्म है। इसमें डालेंगे सभी ब्रेड को। एकदम क्रंची है और इसे डालेंगे जब दूध में तो सॉफ्ट हो जाएगा। और इसे ढक कर छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, तो एकदम नरम हो जाएगा। तैयार है ये ब्रेड की मिठाई। इसका टेस्ट एकदम रसमलाई की तरह लगेगा। इस पर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे, जैसे काजू और बादाम है तो उसका थोड़ा सा कतरन डाल देंगे तो और टेस्टी हो जाएगा। तो तैयार है हमारा मिठाई ब्रेड का, एकदम सॉफ्ट बना है। और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा, 10 मिनट में मेरा मिठाई बनकर तैयार हो गया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से और नए नए वीडियो लाते रहेंगे। एकदम टेस्टी बना है, बहुत सॉफ्ट भी बना है। मेहमानों के खिलाने के लिए तो बहुत अच्छा है, लंच बॉक्स के लिए भी बहुत अच्छा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।